हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र को कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली टाइप बॉक्स में टाइप करेंगे सर्विस ऑनलाइन। इतना लिखने के बाद सिंपली एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो मेरा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है RTPS 4। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर। तो सिंपली आप अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ एप्लीकेंट नेम। तो सिंपली आप अपने एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। तो चलिए हम दोनों चीज़ को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम अपना एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेंट का नाम एंटर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के आ गया है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से जाति प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।